कुछ सीपियां देखने में बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन उनके अंदर मोती नहीं होता। इसी तरह कुछ इंसान बज़ाहिर बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन उनमें अच्छे किरदार का मोती नहीं होता। वक्त के किसी गोशे में शैतान भी फरिश्ता था, सबसे ज़्यादा इबादत गुजार, करीब तर राजों का जानने वाला। वक्त बड़ी अहमियत रखता है, जहाँ ये रिश्तों की हकीकत, मोहब्बत के दावों की सच्चाई और उरूज और जवाल में लोगों के अंदरूनी रंगों से पर्दा उठाता है, वही ये हमें हमारी हिम्मत से भी आशना करवा देता है कि हमारे अंदर के इंसान में हौसला और बर्दाश्त किस कदर है। ज़िंदगी के मुश्किल दिन बहुत कुछ अपने साथ ले जाते हैं, खुशगुमानियाँ छीन लेते हैं। एक भी शख्स वैसा नहीं रहता जैसा वो नज़र आता था। हम अक्सर उन लोगों को ढूंढते हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, और उनसे बेखबर हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं। हम उस वक्त बदतरीन ज़हनियत का मुजाहिरा करते हैं जब कोई गुमराह इंसान सीधे रास्ते पर आने के बाद हमें नेकी की तलकीन करे और हम उसका माजी लेकर बैठ जाएं। हर वक्त मुसीबतों का दर्द रोने वालों को मुसीबतें पहचान लेती हैं, उनके पास बार बार आती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि यही वो लोग हैं जो हमें बड़ा समझते हैं। जब तक हम इंसानों के मुख्तलिफ मिजाजों और ज़हनी सतहों को समझने के काबिल नहीं होते, हम कभी मुतमईन और पुरसकून नहीं रह पाते। इंसानी रवैयों में लचक एक दूसरे को बर्दाश्त करने में मदद देती है। गलत से गलत इंसान के लिए भी इस्लाह का वाहिद रास्ता मोहब्बत है। तनकीद और कड़वाहट चाहे कितने ही हक पर क्यों ना हो, वो इस्लाह के लिए कारगर साबित नहीं होती। ये जो दूसरों के लिए आपके दिल में रहम का पैदा होना है, ये फ़कत रब की आता है, जो अगर हो जाए तो फिर आप दुश्मन को लाचार देखकर दुखी हो जाते हैं। मोहब्बतों का मान रखना सीखिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, और कोशिश करें कि किसी का मान एतबार ना टूटे, क्योंकि वक्त तो गुज़र जाता है लेकिन दी हुई तलखियों के नक्श बाकी रह जाते हैं। लोग बातों के हज़ार मतलब निकाल लेते हैं, लेकिन अल्लाह नियत को जानता है। अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक जियो, बंदों की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं। अगर ये सियाह बादल ज़िंदगी पर ना छाए तो हमारी ज़िंदगी में कभी रहमत की बारिश ना हो। अगर एक इंसान को किसी इंसान के साथ इतना लगाव हो जाए कि वो उसके करीब से करीब तर होना चाहे, यहाँ तक कि अपनी ज़ात से फना होकर उसकी ज़ात में मिल जाना चाहे, तो इस लगन को इश्क कहेंगे। रूह अल्लाह के दरबार से आई है और अल्लाह का कलाम भी। ख़त्म हो जाने वाली दुनिया में ये जब भी मिलेंगे, रब के सामने इस जसद खाकी का मर्तबा बुलंद ही करेंगे। इंसान की नज़र अगर सवाब और गुनाह के तराजू पर रहे तो वो खुद ही झुक जाती हैं। आप अपने ख्याल की इस्लाह करो तो इसी का नाम बुजुर्गी हो जाता है। यही आदमी पहुंचा हुआ आदमी बन जाता है, यही आदमी बुजुर्ग हो जाता है। अगर तांबे के अंदर से कोड़ निकल जाए तो यही सोना है। खामोश इंसान खामोश पानी की तरह गहरे होते हैं। खामोशी खुद एक राज है, और हर साहिब राज खामोश रहना पसंद करता है। खामोशी अकलमंद का जेवर है और बेवकूफ़ का भरम। चेहरा आईना है इंसान के अंदर का, दिल की बात, दिल का हाल चेहरे पर ज़रूर नुमाया होता है। ज़रूरतमंद का चेहरा और है और सखी का और। उसे काटा गया, पीसा गया, गूंधा गया, लेकिन सबक गंदुम से लेना फिर भी दुनिया भूल जाती है। किसी भूखे के काम आने से पहले गौर से देखो, दहकती आग पर रोटी खुशी से फूल जाती है। ज़िंदगी और किस्मत का पता अगर जायचो, पांसो,
गिनतियों, लकीरों और सितारों से लगने लगता तो फिर अल्लाह इंसान को अकल ना देता, सिर्फ यही चीज़ें देकर दुनिया में उतार देता। जब मुस्तकबिल बदल नहीं सकते तो उसे जानकर क्या करेंगे। बेहतर है गैब गैब ही रहे, अल्लाह से उसकी खबर की बजाय उसका रहम और करम मांगना ज़्यादा बेहतर है। इस दुनिया में जितना अहम आपका अमल है उतनी ही अहम आपकी सोच है या उससे ज़्यादा। ज़िंदगी का हर इत्मीनान और खुशी मुस्बत अंदाज़े फ़िक्र में पोशीदा है। जिस शख्स के पास मुस्बत सोच का सरमाया नहीं उसका कोई अमल उसे खुशी और कामयाबी नहीं दे सकता। हमने छोटी छोटी मेहरबानियाँ करनी छोड़ दी हैं, हम नहीं जानते कि हमारी एक मुस्कुराहट, एक दरगुजर, हमदर्दी का एक कलिमा, मेहरबानी का एक अमल कभी छोटा नहीं होता। ये अमल एक कमज़ोर और महरूम इंसान के दिल में हमारा वो अक्स कायम करता है जो मुद्दतों नहीं भुलाया जाता। ये अक्स कभी एक इंसान तक नहीं रुकता बल्कि रोशनी बनकर दूसरों में मुंतकिल होता रहता है। हम अल्लाह ताला की जिस हद को तोड़ते हैं उसी हद के ज़रिए हमें तोड़ दिया जाता है, लेकिन हम अपनी गलती, अपना गुनाह तस्लीम नहीं करते बल्कि सफाइयाँ देते हैं कि किसी तरह हम सही साबित हो जाएं। मगर सच यही है कि जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदूद बताई हैं उनके दायरे में रहना ही हमारे ईमान और आमाल की सलामती है। अल्लाह का दोस्त वो है जिसकी महफिल, जिसकी मजलिस, जिसकी गुफ्तगू से आदमी को अल्लाह की याद आ जाए। अल्लाह का दोस्त वो होता है जो ख्वाहिशों को बदल दे, जो दुनिया मांगने वालों को अल्लाह ताला से जोड़ दे। महबूब के फरमान पर सर को झुका दो और दुनिया से कतई ताल्लुक़ कर लो, अपने दिल की तख्ती को धो लो और उसे यहाँ वहाँ इधर उधर हर दो जहाँ के लालच से पाक कर लो। शायद तू हूर और कसूर की दीद के लिए आंखें ना खोलें, लेकिन उसके दीदार के लिए तो अपनी आंखों को खोल। नफ़ा और नुकसान तेरे हाथ में नहीं है तो फिर ये नुकसान इसलिए हुआ कि तू फ़ायदे की फ़िक्र में लगा रहा। इंसान अकल की मखलूक नहीं है, ये इश्क की मखलूक है। हर रूह अपनी असल के जानिब खिंची चली जाती है और उसकी तरफ कशिश महसूस करती है। इसी कशिश का नाम इश्क है। मोहब्बत, मुआफ़ी, इबादत पर्दे की चीज़ें हैं। शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, ए बेटे, अगर सीने की फराखी और दिल की खुशी चाहते हो तो लोग जो कुछ तुमसे कहें उसको सुनो और उनकी गुफ्तगू की तरफ मुतवज्जे ना हो। क्या तुम नहीं जानते कि ये दुनियादार लोग जब अपने खालिक ही से राज़ी नहीं तो तुमसे कैसे राज़ी होंगे। राज उसी को मिलता है जो राज को राज रखने का फ़न सीख चुका हो। सवाल ये नहीं है कि राज क्या है, सवाल ये है कि क्या तुम राज को राज रख सकते हो। सवाल ये है कि क्या तुम कोई चीज़ अपने अंदर रख सकते हो। आवाज़ देके देख लो, शायद वो मिल ही जाए, वरना ये उम्र भर का सफ़र रायगा तो है। हर इंसान की अकल का अंदाज़ा उसकी ज़बान पर जारी होने वाली बातों के ज़रिए किया जा सकता है। अगर चाहत के मुताबिक तुम्हारा काम ना बन सके तो फिर जिस हालत में हो मगन रहो। नेकी कभी पुरानी नहीं होती, हमेशा ताज़ा रहती है, और गुनाह कभी भूलता नहीं बल्कि हमेशा याद रहता है। साफ रहना और पाक रहना मोमिन की तबीयत है और गुस्से को पी जाना उसकी आदत। अफसोस कि अब तो ज़्यादातर कोई मजबूरी, मतलब दुख या कोई वाकया ही बंदे को मस्जिद के अंदर तक लाने का सबब होता है। तलाश में बीत गई सारी ज़िंदगी, मालूम चला कि खुद से बड़ा कोई हमसफ़र नहीं। वो शख्स आज़ाद नहीं है
जिसका जहन पुरसकून ना हो। नज़र उस वक्त तक पाक है जब तक उठाई न जाए। सिकंदर खुश नहीं लूट कर दौलत जमाने की, कलंदर दोनों हाथों से लुटाकर रक्स करता है। काश के लोग ऐसे हो कि अंदर से बाहर जैसे हो। इश्क तेरी रगे निचोड़ेगा देख दीवाने, हिम्मत न हारना। हर बंदे में इंसान जैसी आदत नहीं होती। ज़मीन की वकालत नहीं चलती जब कोई फ़ैसला आसमान से उतरता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स से कोई गुनाह सरजद हो जाए फिर वो अच्छी तरह वुजू करे और उठकर दो रकात नमाज पढ़े और फिर अल्लाह से माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर माफ़ फरमा देता है। आपने फरमाया, सदका रब के गुस्से को बुझा देता है और बुरी मौत से बचाता है। एक तेरे सिवा हमें कोई जवाल नहीं, वैसे तो खुश हूँ बहुत मगर हाल ये है कि कोई हाल नहीं। नाकामी फ़िक्र का बाइस नहीं है, फ़िक्रमंद तो आपको उन मौक़ों पर होना चाहिए जो आपको मिले थे लेकिन आपने उनसे फ़ायदा हासिल नहीं किया। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, इंसान अपने आप को ख्वाहिशात के पत्थरों में चुनवाता है, फिर जब उसकी सांस रुकने लगती है तो शोर मचाता है। अगर तुम किसी से कुछ भी नहीं चाहते लेकिन फिर भी उसे चाहते हो तो फिर तुम वाकई उसे चाहते हो। जो अपने रब से वाकिफ हो जाता है वो मखलूक के सामने तवाज़ो इख्तियार करने लगता है। ख़ुद को अल्लाह की रज़ा के सामने ऐसे डाल दो जैसे समंदर में तैरता हुआ लकड़ी का बेजान सा टुकड़ा। मेरे मालिक, रो रो कर बस यही दुआ मांगते हैं, अपने सिवा किसी का मोहताज न करना हमको। दिन की पहली फतह फज्र की नमाज है। शहंशाही नहीं हमको फ़कीरी दे मौला, दुनिया पर नहीं दिलों पर हुकूमत दे मौला। वालिदैन के साथ ऐसे रहें जैसे लाठी होती हैं जो हुक्म उदूली नहीं करती, बहस नहीं करती और हाथ से जुदा भी नहीं होती। कामयाबी चाहते हो तो मौका देने वाले को कभी धोखा नहीं देना। दुख दर्द तकलीफ़ अगर अल्लाह की नाराज़गी होती तो ये नबियों को ना मिलती। ये नेमत है जो अल्लाह का रास्ता दिखाती है अगर बंदे में समझ हो। तितली की तरह उड़ते चले जाते हैं लम्हे, फूलों की तरह देखते रहते हैं उन्हें। तुम कड़वे से कड़वे बोल पर भी मुस्कुराना सीखो। इल्म इंसान को ऐसे ज़िंदा करता है जैसे बारिश ज़मीन को, बशर्ते कि वो इल्म में नाफे हो। किसी की नापसंदीदा बात पर खामोश होना ज़र्फ़ और माफ़ करना आला ज़र्फ़ी है। सारी बात दिल की होती है, अगर इंसान का दिल ही मर जाए तो लाख बेहतरीन चीज़ें अता कर दी जाएं। लबों पर मुस्कुराहटों के फूल नहीं खिलते। आदमी ने खुद ही अपनी ज़िंदगी में जहर भरा है और अब खुद ही तरियाक की तलाश में सरगर्दा है। वो खुदा तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन अपने पड़ोसी तक भी उसकी पहुंच नहीं है। अगर तुम वही देखते हो जो रोशनी जाहिर करती है और वही सुनते हो जिसका ऐलान आवाज़ करती है तो दरहकीकत न तुम देखते हो और न सुनते हो। जब आँखों से सजदे बहने लगें तो कबूलियत के समंदर में ज़रूर हलचल होती है। अकीदत हो या मोहब्बत, धीमे लहजों में ही जचती हैं। एक अलग सा सुकून मिलता है जब अल्लाह के खौफ से इस्तिग़फ़ार के आंसू आँखों से निकल आते हैं। अपने दिल के अंदर इतनी जगह पैदा करो कि तुम्हारे इस दिल में दूसरों के राज समा जाएं।
दुनियादारों की सोहबत से परहेज कर, क्योंकि अगर तंग दस्त होगा तो तुझे हकीर समझेंगे, और अगर ज़्यादा मालदार होगा तो तुझसे हसद करेंगे। ए बंदे खुदा, फौरन किसी पर गुनाह का ऐब ना लगा, शायद अल्लाह ने उसे बख्श दिया हो, लेकिन अपने किसी छोटे से छोटे गुनाह के लिए भी इत्मीनान ना कर, शायद कि उस पर तुझे अजाब हो। बेशक खुशहाल ज़िंदगी उस शख्स की है जो अल्लाह की बनाई हुई किस्मत पर राज़ी है। दुनिया से अपने दिल को निकाल लो, इससे पहले कि उससे खुद तुम ही निकाल लिए जाओ। जहालत से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। किसी का हक खाकर इंसान दुनिया में तो खुश हो सकता है, लेकिन रोज़े महशर वही उसके गले का तौंक होगा। जिस राह में भटक जाने का अंदेशा हो, उस राह में कदम ना उठाओ। ए मोमिन, जब तक तू नुकसान से तरक्की ना करे, तब तक कमाल को भी हासिल नहीं कर सकता। वो घर वीराने से बदतर है जिसमें किताबें ना हों। जन्नत की नेमतों से वही फ़ायदा उठाएगा जो दुनिया की मुसीबतों पर सब्र करता है। सच्चाई ईमान का निहायत मजबूत सुतून है। अल्लाह ताला के सिवा किसी और चीज़ की मोहब्बत में डूबे रहना इंसान के दिल की हलाकत का सबब है। बदज़बान के पास कोई अदब नहीं होता, और बेअदब के पास अकल नहीं होती। खामोशी इबादत का वो पौधा है जिसका फल हमेशा मीठा ही होता है। मोहब्बत खूबियाँ तलाश करती हैं, बोझ ऐब ढूंढ लेता है। इश्क वो कैफियत है जो अंजाम से बेपरवाह कर दे, जो अपनी ज़रूरतों को बढ़ा लेता है उसे अक्सर महरूमी का गम रहता है। दोस्त एक पेवंद की मानिंद होता है, लिहाजा कोशिश करो कि अपने जैसों को ही दोस्त बनाओ, ताकि बदरंग ना लगो। जो चुगलखोर की बात पर एतमाद करता है, वो अपने दोस्त को अपने हाथों से खो देता है। अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बग़ैर ना कोई मुसीबत आ सकती है और ना ही जा सकती है। अल्लाह रिस्क में बरकत दे और इजाफ़ा करे, तो दस्तरखान लंबा कर दो, दीवारें नहीं। उस खुदा पर भरोसा करो जो नाफरमानी के बावजूद तुम्हारा रिस्क बंद नहीं करता। मैं फना हूँ, ज़ात है फ़ानी मेरी, बस खुदा ही है बका जो इश्क है। इंसान जिसको मुश्किल समझ रहा होता है, अल्लाह की निगाह में वो आसानी होती है। इंसान जिसको सज़ा समझता है, वो अता होती है। बस वक्त को कुछ वक्त देना होता है। सरे तूर हो सरे हश्र हो, हमें इंतज़ार कबूल है। वो कभी मिले वो कहीं मिले, वो कभी सही वो कहीं सही। ये याद ही तो याद है कि हर याद में तू याद है। जिस याद में तू याद नहीं, वो भी कोई याद है। इज्जत के बग़ैर दुनिया की किसी मोहब्बत का कोई वजूद नहीं। दुनिया के सामने चीखने से अच्छा है अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा लो। बड़ी गलती, अपनी गलतियों से बेखबर रहना है। जो लोग खुदा की इबादत तो करते हैं, लेकिन मखलूक खुदा की मदद नहीं करते, वो खुदा परस्त नहीं बल्कि मतलब परस्त हैं। जब पुरानी दोस्तियां ही निभाने की तौफीक और फुर्सत मयसर ना हो, तो नए लोगों से मिलने का फ़ायदा क्या। सब्र का मतलब ये है कि मुश्किल वक्त हो और आजमाइश हो, लेकिन किसी से बयान ना की जाए। ऐसे गम से खौफ आता है जिसकी कीमत हमें बोलने की बजाय खामोशी से चुकाना पड़े। कुछ अल्फाज दिलों में सुई की नोक की तरह बैठ जाते हैं, जब कभी भी हरकत करते हैं दर्द करते हैं। अगर आपको शाखों पर फल लगा दिखाई दे, तो समझ लो कि उस दरख्त की जड़ें मजबूत और बहुत गहरी हैं।
अपने नफ्स को जलील करने के अमल में इतने आगे ना चले जाना कि अपनी ज़ात की ही तौहीन कर बैठो। बदबख्त नज़ारों की तलाश में लगा रहने वाला इन्हीं बदबख्तियों का हिस्सा बनता चला जाता है। इंसान पर कभी रास्ता बंद नहीं होता, हर दीवार के अंदर दरवाज़ा है जिसमें से मुसाफिर गुजरते रहते हैं। कभी हम वक्त को और कभी वक्त हमें ज़ाय करता है, दोनों एक दूसरे से बदला ज़रूर लेते हैं। मन में जब हकीकत का शोर हो तो जिस्मानी वजूद खामोशी और सख्ती की दुनिया में चला जाता है। दिल की हज़ार आँखें होती हैं मगर उनमें से एक आँख भी अपने मनपसंद शख्स के ऐब नहीं देख सकती। रूह की बेदारी से मुराद ये है कि आपके पास ख्वाहिशें तो हो सकती हैं मगर आप उनसे सिमटते नहीं हैं। अल्लाह को अपने बंदे की कोई अदा पसंद आती है तो उसे लम्हों में कुर्ब की वो मंजिलें तय करवा दी जाती हैं जो बड़े बड़े आबिदों के लिए रश्क की वजह बन जाती हैं। वो कितना कमाल का लम्हा होता है जब बिल आखिर मिट्टी हो जाने वाला इंसान मिट्टी पर सर रखकर अपने रब के सामने अपनी आजजी का एतराफ़ करता है। अपने आंसुओं की कीमत इतनी रखो कि हर कोई उन्हें ख़रीदने की कोशिश ना करे, और अपनी मुस्कुराहट को इतना बेमोल कर दो कि हर कोई उससे फ़ायदा हासिल कर सके। अगर तुम वही देखते हो जो रोशनी जाहिर करती है और वही सुनते हो जिसका ऐलान आवाज़ करती है तो दर हकीकत ना तुम देखते हो और ना सुनते हो। हर रात आंखें उन्हीं सोचों में गुम हो जाती हैं कि हमारा मकसद हयात क्या था और हमें थका किन कामों ने दिया। इंसान कमज़ोर नहीं, नफ्स कमज़ोर है। अमल में ताखीर नहीं, नियत में खलल है। वक्त की कमी नहीं, सुस्ती की लत है। रिस्क की कमी नहीं, लालच की बहतात है। इंसान का कहत नहीं, इंसानियत की थोड़ है। रब को इबादत से और मखलूक को अपने अखलाक से राज़ी करो, दुनिया और आखिरत दोनों में खुश रहोगे। जब तक तुम अपनी खुदी के एहसास में मस्त रहोगे तुम किसी बाकमाल के कमालात की क्या कदर कर सकते हो। वो इंसान जिसके जहन में नुक्स हो किसी काम के मकाम को नहीं समझ सकता। चाहे तुम्हारा नफ्स कितना ही तरबियत याफ्ता हो जाए मगर उसकी गर्दन से जंजीर अलग ना करो। क्या तुमने कभी एक बीज को ज़मीन पर गिरते देखा जो नई ज़िंदगी के साथ ना उगा हो? तो फिर तुम्हें इस बीज पर क्यों शिकवा है जिसका नाम इंसान है? बेशक ख्वाहिशात नफ्स का छोड़ना कड़वाहट पैदा करता है लेकिन यह अल्लाह की दूरी की कड़वाहट से बेहतर है। अकलमंद वो है जो दोस्तों की मुसीबत और मौत से इबरत हासिल कर ले। अल्लाह और बंदे के दरमियान हिजाबात में से सबसे भारी हिजाब नफ्स का है, इसके हटते ही कोई हिजाब नहीं रहता। मौत के वक्त जो सिफत होना खुद में पसंद हो वो इसी लम्हे इख्तियार कर ली जाए क्योंकि मौत किसी पल भी आ सकती है। इल्म बहस करेगा और अमल खामोश रहेगा। हमें किस दुनिया पर फ़ख्र है जिसका बेहतरीन मशरूब मक्खी का थूक यानी शहद है और बेहतरीन लिबास कीड़े का थूक यानी रेशम है। हमें इस दुनिया से क्या लेना जिसके हलाल में हिसाब और हराम में अजाब है। मोहब्बत, माफ़ी, इबादत ये सब पर्दे की चीज़ें हैं। दोनों जानिब की खामोशी बात मुकम्मल कर देती हैं। अल्लाह ताला की कुर्बत का बेहतरीन रास्ता आजजी इख्तियार कर लेना है। जिसको आप नाराज़ समझते हैं मुमकिन है कि वो इंतज़ार में हो। अगर वो रब कोई दरवाज़ा बंद करता है तो पहले कहीं किसी खिड़की का रास्ता भी बना देता है। वो इंसान रूह के वीराने से नहीं निकल सकता जिसने माँ बाप का अदब ना किया और जिसको औलाद से मोहब्बत ना हो। तीन चीज़ें इंतहाई मुश्किल हैं, राज को राज रखना, बेइज्जती को भूल जाना और फुर्सत का सही इस्तेमाल करना। किसी को छोड़ देने से पहले ये ज़रूर सोच लेना कि अब तक उसके साथ आप क्यों थे। जो शख्स ज़िंदगी पर राज़ी है वो अल्लाह पर राज़ी है और
अल्लाह उससे राज़ी हैं। जिसे करीबी छोड़ दें उसे बेगाने मिल जाएंगे। बेमकसद इंसान मरता ही रहता है, बामकसद इंसान मर जाने के बाद भी ज़िंदा रहता है। अगर सिर्फ इबादत ही अल्लाह के करीब होने का ज़रिया होती तो इंसान पर ज़िंदगी के दीगर फ़राइज़ आयद ना किए जाते। बाज़ मर्तबा अल्लाह तुम्हारा यूसुफ़ इसलिए भी गुम कर देता है ताकि तुम याकूब की सी तड़प पैदा कर सको। वक्त से आगे गुजरने की सज़ा होती है और वो ये है कि आदमी तन्हा रह जाता है। फितरतन हर शख्स को भलाई की तलब होती है, मगर जहालत की वजह से शर को वो खैर समझ लेता है। इसलिए ज़िंदगी में मुसलसल कोशिश यही होनी चाहिए कि जहालत को दूर किया जाए ताकि लोग खैर और शर में फ़र्क कर सकें। तुम उस शख्स को भूल सकते हो जिसके साथ तुमने कहकहे लगाए हो, लेकिन उस शख्स को कभी नहीं भूल सकते जिसके साथ तुमने आंसू बहाए हो। नई से नई बुलंदियों को पहुँचे, लेकिन ऐसी ऊंचाइयों से भी ज़रूर बचे कि जहाँ से दूसरे सब छोटे लगने लग जाएं। आपकी अपनी ज़ाती कायनात में आपने जितना हिस्सा अल्लाह को दे रखा है उतना ही अल्लाह की कायनात में आपका हिस्सा है। अच्छे लोगों का मिल जाना ही अच्छे मुस्तकबिल की ज़मानत है। मकान बनाना हमारी तदबीर है, इसमें सुकून मिलेगा या बेचैनी ये हमारा मुकद्दर है। आम लोगों की ख्वाहिशात और उम्मीदें होती हैं, कामयाब लोगों के मकसद और मंसूबे होते हैं। जिस तरह आफ्ताब की रोशनी आफ्ताब से अलग नहीं की जा सकती, बिल्कुल इसी तरह इल्म अमल से जुदा नहीं किया जा सकता। जो तुम्हारी तरफ आना चाहे उससे किनारा कशी नुकसान है, और जो तुमसे किनारा कश हो जाए उसकी तरफ बढ़ना ज़िल्लत नफ्स है। तमन्नाएं दिल की आँखों को अंधा कर देती हैं, आरज़ू से आज़ाद दिल ही शहंशाह है। खौफ कभी बुलंद परवाज नहीं कर सकता। अगर इंसान का बातिन सच्चा ना हो तो सच्चाई का मज़हब उसे कोई कामयाबी नहीं देता। पाकीज़ा ख्यालों के लिए किरदार में पाकीज़गी का होना लाजमी है। तूफ़ानों की ताकत सब कश्तियों को नहीं डुबो सकती। जब किसी कौम या किसी शख्स का दुआ से एतमाद उठ जाए तो आने वाला वक्त मुसीबत का ज़माना होता है। सोचना और हर वक्त सोचना हलाकत है। हम अपनी खुशफहमी को आगाही कहते हैं और दूसरों की आगाही को गलत फहमी। ताज्जुब है, ताकत दरअसल खौफ के हदूद में बादशाही करती है। बेखौफ लोगों की हदूद में ताकत का गुज़र मुमकिन नहीं। अगर इंसान अपने किसी हासिल पर हमेशा काबिज़ रहने की ख्वाहिश निकाल दे तो मलाल पैदा नहीं होगा। बुलंद ख्याली ईसार ये है कि दूसरों को रोशनी देना खुद में आग लगाकर। जब तक इंसान को अपने अकीदे पर मुकम्मल एतमाद और यकीन ना हो वो हकीकत को कैसे कबूल कर सकता है। जागने वाले जिंदा हो सोने वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लोगों से अलग रहकर सोचोगे तो लोगों से अलग सोच मिल जाएगी। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में है। बेऐब इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। जो हक से मुंह मोड़ता है वो अपना रुख तबाही की तरफ कर लेता है। जताया जाने वाला एहसान ज़ाय हो जाता है। मग़फ़िरत कमाई नहीं जाती किसी भी इबादत से, मग़फ़िरत सिर्फ मांगी जाती है। कायनात के बड़े मज़ामीन में ना पढ़ो बल्कि छोटी छोटी बातों पर तवज्जो दो। उसको राज़ी रखो जो हम सफ़र हैं, चाहे वो हम ख़याल ना भी हो। मुसलमानों में ज़वाल के जो सबब हैं तो उसका एक सबब ये भी है कि मुसलमानों ने इबादत और इबादत गाहों का तो बड़ा ख्याल किया मगर इंसान का ख्याल छोड़ दिया। जिसकी रात बेदार हो जाए उसका नसीब जाग उठता है। कम आरजुओं वाले इंसान सुकून से रहते हैं। बंदा अंदर से बुरा नहीं होता, ज़रूरत ही उसे बुरा कर देती है।
और ज़रूरत ही नेक करती है। ज़रूरत निकाल दो तो बंदा ठीक है। अल्लाह से माफ़ी चाहते हो तो लोगों को माफ़ कर दो। अल्लाह का एहसान चाहते हो तो लोगों पर एहसान करो। नजात चाहते हो तो सबकी नजात मांगो। दो इंसानों की मोहब्बत यकसा नहीं हो सकती, इसलिए मोहब्बत का बयान मुश्किल है। दरअसल मोहब्बत ही वो आईना है जिसमें इंसान अपनी असली शक्ल, बातनी शक्ल और हकीकी शक्ल देखता है। बुराई की तलाश हो तो अपने अंदर झांको, नेकी की तमन्ना हो तो दूसरों में ढूंढो। इंसान गुनाह करने की वजह से जहन्नम में नहीं जाता, बल्कि गुनाह पर मुतमईन रहने और तौबा ना करने की वजह से जहन्नम में जाता है। मालो दौलत की हवस और नफ्स की लज्जतें छोड़ दी जाएं, तो ज़िंदगी आसान हो जाती हैं। तुझ पर लाजिम है कि अल्लाह के अलावा के ख्याल को अपने दिल से निकाल दो। है थकन सारी दुनिया, है सुकून सिर्फ ज़िक्र इलाही। उसकी रहमत पर निगाह रखी जाए तो खौफ ख़त्म हो जाता है। खौफ आखिर मफरूज़ा ही तो है, वो अलमिया जो अभी रोनुमा नहीं हुआ और रोनुमा हो सकता है, अंदेशा कहलाता है। इंसान अगर मुस्तकबिल को आईना तखय्युल में उतारने की बजाय हाल के फ़र्ज़ और कर्ज़ को अदा करे तो वो खौफ से बच जाता है। हम किसी की दुआ की तासीर हैं, हमारी दुआएं किसी और ज़माने को असर देंगी। जिस आदमी के पास दीन की राह पर चलने के लिए ना वक्त है ना मिजाज, वो अपनी नाकामी के बारे में और क्या कह सकता है। अगर मोहब्बत की तमन्ना है तो फिर वो वस्फ पैदा कर, जहाँ से इश्क चलता है वहाँ तक नाम पैदा कर।